हो, क्या बताऊं, देखो अंदर से निकल रहा है सब कुछ। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज़ मिज़ारा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसी हैं आप सब? गाइज़ आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गाइज़ जब से किंग खान शाहरुख खान ने इंस्टा पे अनाउंस किया था कि जवान मूवी का एक और सॉन्ग जो है वो रिलीज़ होने वाला है, तब से मैं वेट कर रही थी कि कब से ये सॉन्ग आएगा और जो फैंस जो है इसके ऊपर टूट पड़े। तो आज जो है ये सॉन्ग आ चुका है, जिसका टाइटल है नॉट रमैया वस्तावैया, और जिसको गाया है अनिरुद्ध ने, विशाल ढलानी ने और शेरपा राव ने। तो गाइज़ सिंगर्स ही ऐसे हैं कि सोचो सॉन्ग कैसा होगा। तो सॉन्ग की तरफ चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलें जी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, लेट्स प्ले इट। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड। जस्ट वाओ, लिटरली गाइज इस सॉन्ग ने मुझे घूस बम्स दी है। इस कदर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लिरिक्स हैं इस सॉन्ग के, कुमार जी ने लिखे हैं, और म्यूज़िक उससे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जो सिंगर्स हैं उनकी जो आवाज़ है, और मोस्टली जो इस फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो शिल्पा राव ने गाए हैं, क्योंकि इस बंदी की आवाज़ में जो जादू है ना, दैट इज़ अमेजिंग। और उसके बाद विशाल डेटलानी है, उसके बाद अनिरुद्ध है, तो बहुत ही सुपर्ब किस्म का सॉन्ग है, और एक कंप्लीट जो है ना घूस बम्स देने वाला सॉन्ग है। और उसके ऊपर शाहरुख खान के डांस स्टेप्स, ऑफ कोर्स मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई थी ये सॉन्ग जब मैं देख रही थी, जब मैं सुन रही थी। और ट्रेलर जो है इस मूवी का, फाइनली फाइनली इतने इंतज़ार के बाद जो है अब इस पे मेंशन हुआ है कि जो जवान मूवी का ट्रेलर है वो 31 अगस्त को रिलीज़ होगा।
तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं भाई। देखो ये जो सॉन्ग है ना, जो पुराना वाला ओल्ड, जो ब्लैक एंड व्हाइट दौर का जो सॉन्ग था, रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, आ हा, दैट वॉज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। मैं छोटी सी थी तो मेरे घर में वो कैसेट होते थे, उसी से मेरे बहन भाई सुनते थे तो मैं वो सुनती रहती थी, और उसी से मेरे अंदर जो है ना ये चीज़, ये जो टेस्ट है ना पुराने सॉन्ग्स के लिए, ये चीज़ उस वक्त से मेरे अंदर जो है डेवलप हो गई है। अभी भी मैं वही सॉन्ग सुनती रहती हूँ। मेरे पास जो प्लेलिस्ट है ना मोस्टली ओल्ड सॉन्ग्स के हैं, तो मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि भाई तेरे अंदर कौन सी पुरानी रूह बसती है, क्या हो गया तुम, मतलब नई जनरेशन की बच्ची हो और तुम ये चीज़ें सुनती हो। मैं कहती हूँ यार, जो जो मज़ा इन सॉन्ग्स में है ना, तो कोई नहीं समझ सकता। ये जो है रीमेक तो है नहीं, ठीक है, एक कोरस उठाया है एंड दैट इज़ वहाँ से एक सॉन्ग कंप्लीट बना दी, तो उसकी भी यादें ताज़ा हो गई और मज़ा भी आ गया। जवान मूवी ने पुराने जो ब्लैक एंड वाइट दौर के जो सॉन्ग्स थे उनको ताज़ा कर दिया है, जैसे उनके जो टीज़र में आया था बेकरार करके, हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई है, ओ हो, दैट सॉन्ग क्या बताऊँ, देखो अंदर से निकल रहा है सब कुछ। तो वो जो मेरी एडिक्शन है ना, वो यहाँ वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा। किसी भी सॉन्ग की कंपोजिशन होती है ना, वो उसकी जो मेन रूट होती है वही चीज़ होती है। तो ये जो अनिरुद्ध है ना, ये इसके हाथ में कोई मैजिक है मुझे लग रहा है। कोई भी सॉन्ग बनाता है ना, उसके अंदर ऐसा कोई मैजिक झोंक देता है ना कि वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो अनिरुद्ध की कंपोजिशन, कुमार साहब के जो है लिरिक्स, और उसके ऊपर शाहरुख खान की डांस मूव्स, और उसके बाद वैभवी मर्चेंट के जो हैं वो कोरियोग्राफी, और फिर सिंगर्स शिल्पा राव, विशाल डडलानी, और उसके बाद अनिरुद्ध खुद, तो यार जादू बन के सामने आना तो बनता है। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।